दिवाली अते गुरपुरब ते पटाकियां नूं लैके हदायतां कीतियां गईआं जारी। हवा प्रदूषण नूं रोकण दे पटाके चलाउण दा समां कीता तय। दिवाली दी रात 8 बजे तों लैके 10 बजे तक ही चलाए जाणगे पटाके। सत श्री अकाल जी, मैं शर शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हवा प्रदूषण नूं रोकण ते वातावरण की स्थिरता नूं उत्साहित करन दे यतना तहत यूटी प्रशासन ने दिवाली ते गुरपुरब ते इको फ्रेंडली ग्रीन पटाकियां की इजाजत दी है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नाल मीटिंग दौरान साफ सुथरे ते सेहतमंद वातावरण प्रति चंडीगढ़ प्रशासन की वचनबद्धता ते जोर दिता गया। चंडीगढ़ के वसनीक इस त्यौहार नूं निर्धारित समा सीमा के अंदर ग्रीन पटाकियां नाल मना सकणगे। जेकर समय की गल की जाए तो दिवाली यानी कि 1 नवंबर की रात 8 बजे तो 10 बजे तक, गुरपुरब 15 नवंबर सवेरे 4 बजे तो लैके 5 बजे तक, रात को 9 बजे तो 10 बजे तक ही पटाके चलाए जाएंगे। ग्रीन क्रैकर विज्ञानक उद्योगिक खोज परिषद की सहायक संस्था राष्ट्रीय वातावरण से इंजीनियरिंग खोज संस्था वालों विधिवत तौर ते मंजूरी दी जानी चाहिए है। सहूलत लई हरे पटाकियां दी विक्री लई निर्देश डीसी दफ्तर वालों ऑनलाइन मोड दे विच जारी किए जाएंगे, जिस नाल विक्रेतावां लई पारदर्शिता ते आसानी नाल पहुंच नूं यकीनी बनाया जाएगा। तो दस दिए कि दिवाली 1 नवंबर नूं मनाई जा रही है, तो उस दिन यानी कि रात नूं 8 बजे तो लैके 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही जिहड़े कि पटाके चलाए जाणगे। जेकर इस तों वध समां कोई चलांदा है तां उस ते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तों इलावा गुरपुरब 15 नवंबर यानी कि सवेरे 4 बजे तो लैके 5 बजे तक पटाके चलाउण दा समां तय किया गया। इसे तरह रात नूं भी सिर्फ 1 घंटे का जिहड़ा समां उह तय किया गया। पर हुण वड्डा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि हर साल यह नियम अते यह कानून बनाए जांदे ने, समां तय किया जांदा है पटाके चलाउण दा। पर मेरा सवाल मेरे दर्शकां नूं यह है कि लगता है कि हर साल कि इन्हां नियमां दी पालना हुंदी है, तय समय दे अंदर ही रह के जिहड़े कि पटाके चलाए जांदे ने। जेकर कोई वध समा पटाके चलाउंदा है उस ते कोई कार्रवाई होई है जां फिर नहीं? जे तुहानूं अजिहा लगदा है कि हर साल ये नियम अते कानून बनाए जांदे ने, हदायतां जारी कीतियां जांदियां ने, पटाके चलाउण दा समा तय कीता जांदा है, अते जिहड़ा भी कोई तय समय तों वध समा पटाके चलाउंदा है, की लगदा उस ते कोई कार्रवाई होई है? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ।